यू सो मच. नॉट येट, आई थिंक उसका बज़ क्रिएट करने में हमको थोड़ा सा टाइम जाएगा, बट एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट कर दिया हमने. वी आर ट्रेंडिंग नंबर वन ऑन ट्विटर राइट नाउ, अ लॉट ऑफ पीपल आर शेयरिंग इट, देर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव रिव्यूज़ जो हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं. बहुत फन फिल्म लग रही है, लोगों को लग रहा है कि बहुत टाइम के बाद हमको एक एंटरटेनर देखने मिलेगा. एक दूसरा एक वर्ड है जो यूज़ करते हैं, नॉन 2K कंटेंट जो है वो काफ़ी टाइम से आया नहीं है, तो मास और क्लास दोनों को केटर करता हुआ एक बहुत प्यारा सा एंटरटेनर का फीडबैक आ रहा है. नहीं स्केर्ड, नहीं स्केर्ड इसलिए नहीं क्योंकि हमें अपना कंटेंट पता है. मुझे तो टेक्निकली पता है कि जो 2 घंटा 20 मिनट जो है फिल्म का कंटेंट क्या है, और ट्रेलर तभी अच्छा बन सकता है जब आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग होता है उस सिनेरियो के अंदर. तो डर नहीं है, सिर्फ ये है कि जो ट्रिप है वो समझ में आ जाए, जो जो ह्यूमर है वो समझ में आ जाए, बस ये इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा लगा रहता है. नहीं हाँ, डिफरेंस दोनों चीज़ों में ये है कि जब हम पीके या ओ माई गॉड या कोई फिल्म ऐसी देखते हैं, हम उसमें पीके और ओ माई गॉड में ये बताते हैं कि रिलीजन में हमें ये नहीं करना चाहिए, हिंदुत्व में आपको ये नहीं करना चाहिए, आप नागों को दूध मत पिलाइए, वो जो है चक्कर के आप किसी गरीब को दूध दे दीजिए, हम उस बारे में नहीं कह रहे हैं. हम एक यूनिवर्सल गॉड जो है, जो बिना धर्म का है, जिस पे हम सब बिलीव करते हैं, चाहे मुसलमान अल्लाह पर बिलीव करे या हिंदू जो है वो अपने 33 करोड़ देवी देवता पर बिलीव करें या क्रिश्चियन जो ईसा मसीह पे बिलीव करे, अल्टीमेटली उसे भगवान बोला जाता है. जो हम भगवान की बात कर रहे हैं, हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. तो भगवान क्या है और क्यों ज़रूरत है आज के दौर में इसकी, इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ना कि हम ये बोल रहे हैं कि रिलीजन में ये करना चाहिए या वो करना चाहिए इस बात को लेकर. तो ये डिफरेंस है. बिल्कुल. और एक्चुअली चक्कर क्या होता है ना कि जब एक डायरेक्टर कास्ट करने बैठता है तो आपका कंपटीशन विद द बेस्ट है. अगर जैसे मेरी पहली फिल्मों भी देखें, अगर आप भिंडी बाजार करें तो उसका सीधा कंपैरिजन रामगोपाल वर्मा के सत्या, या उसके बाद जब मैंने मुंबई मिरर बनाई तो लोगों ने बोला कि दबंग जैसी बनाते हैं. तो जब आप डिफरेंट करने की कोशिश करते हो तो एज एन एक्टर आप क्या एक्सप्लॉइट कर सकते हो एक लेजेंड से, जैसे आपने बताया कि के बहुत बड़े लेजेंड हैं, तो वो कहीं स्टक हो रहे थे अपने इंटेंस वाले कैरेक्टर्स से और उन सब चीज़ों को लेकर, और हमें एज एन एक्टर उनकी पोटेंशियल पता होती है. तो जब आप ऐसा कुछ ऑफर करते हैं तो उनको करने का जो इंटरेस्ट है वो भी डबल हो जाता है, और जब उनका 200% आता है किसी भी चीज़ के लिए तो बहुत खूबसूरत हो जाता है इस सब चीज़ को. बिल्कुल तैयार हूँ मैं, पर सिर्फ ये कहूँगा कि आप रोड पे ना उतरे, आप 1-on-1 आए हमसे बात करें, चाहिए तो फिल्म भी देखें, और उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आपका भगवान पर जो भरोसा है वो 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा. ये मेरी गारंटी है एज अ फिल्म मेकर इस फिल्म को लेकर. बट ये लोगों ने मानी नहीं. बिल्कुल. बट अगर कोई आना नहीं चाहे तो हम उनके घर में जाके तो उनको बुला नहीं सकते. हम एक बार के लिए उनके घर में जाकर भी उनको बुला लें, बट अगर वो मानने को ही तैयार नहीं है, और कुछ जैसे बच्चे होते हैं कुछ ज़िद कर बैठते हैं, और जब तक वो ज़िद पूरी नहीं होती, जैसे अगर कोई खिलौना चाहिए और वो खिलौना उस टाइम मौजूद नहीं है उसके पेरेंट के पास उनको देने के लिए, तो वो अगर नहीं समझते तो नहीं समझेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते. तो बट मुझे फुल फेथ है, अगर हमारा कानून जो है वो हमेशा क्रिएटिव फ्रीडम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और फिल्में रिलीज़ होती हैं, और ये जो कॉन्फिडेंस है जो गवर्नमेंट हमको देती है वो बहुत प्यारी कॉन्फिडेंस है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है हम लोगों को.